नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। सहरसा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने लंबित वेतन की मांग को लेकर शिक्षा विभाग कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का घेराव कर अपनी मांगे रखी। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि बिहार सरकार के आदेशानुसार ईद से पहले सभी शिक्षकों का भुगतान करने का आदेश था, लेकिन यहां डीपीओ की मनमानी के कारण शिक्षकों को आज तक वेतन नहीं मिला। दिल्ली से शपथ ग्रहण के बाद सहरसा पहुंचे मधेपुरा के जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ ने लंबित और खारिज मामले को लेकर सीओ और कर्मचारियों को काम में सख्ती लाने के निर्देश दिए। सहरसा के पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर कई गांवों में अवैध शराब के खिलाफ कई थानों की पुलिस ने साथ में सर्च ऑपरेशन चलाया। सहरसा के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड क्षेत्र में वाटर टैंकर से लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। टैंकर के आते ही पानी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अरवल जिले के कई प्रखंडों में नहरें सूख गई हैं। सफाई नहीं होने से नहरें मैदान में तब्दील हो चुकी हैं, जहां लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिया है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के इस्माइलपुर कोयल पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन में गड़बड़ी पर सेविका बहाल को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। डीएम ने जांच के निर्देश दिए। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के दक्षिणी कलेर पंचायत के पहाड़पुर गांव में सड़क पर अतिक्रमण कर लोगों ने अपना घर बना लिया है। वहीं नाली का पानी बहने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र में यज्ञ मेले में झूला झूलने को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। छापेमारी में पुलिस जुटी। भंडारक प्रखंड के मददपुर गांव में सड़क किनारे गड्ढे की जमीन में आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया गया, जिससे आए दिन बच्चों के डूबने का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रखंड कार्यालय को जानकारी दी, लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भंडारक प्रखंड के किरण कला निकेतन नाटक कर्मी की ओर से बिहार के नए सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार का भव्य स्वागत किया गया। बेलछी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय सिकंदरा विद्यालय का हाल बेहाल है। बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। वहीं बच्चों की बुनियादी सुविधाओं का भी रखरखाव सही से नहीं किया जाता। वहीं अभिभावक अक्सर प्रधानाध्यापक से शिकायत तो करते हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक पर इसका कोई असर नहीं होता। आरजेडी नेत्री मधु सिंह ने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। बख्तियारपुर प्रखंड के केवल बीघा गांव में नलजल योजना के तहत वार्ड संख्या 3 और वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद अपने हक और अधिकार के लिए आमने सामने आ गए। वार्ड नंबर 4 के पार्षद का आरोप है कि उनके क्षेत्र में जबरन अधिकार जमाया जा रहा है। भंडारक प्रखंड के कुंदी पंचायत के युवा मुखिया मनोज कुमार चंद्रवंशी की ओर से पंचायत में बेहतर विकास के लिए समय समय पर आम सभा का आयोजन होता है। बेलछी प्रखंड के सुदूर टाल क्षेत्र के कुडारी पंचायत में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। यहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए कई किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है। इसका खामियाजा गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यहां की स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। चकिया में SENH 28 दामोदरपुर के पास सड़क हादसे में बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रामगढ़वा प्रखंड के TN हाई स्कूल में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हरसिद्धी प्रखंड के घिवाढार पंचायत सरकार भवन में स्थानीय मुखिया रीता देवी ने RTPS कार्यालय का उद्घाटन किया। गौनाहा के मुख्य सड़क पर तेल का टैंकर पलटने से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा, जिसे देर शाम JCB की मदद से खाली कराया गया। बेतिया पुलिस ने श्रीनगर पूजाहा थाना अंतर्गत 4 अपराधियों को 2 देसी कट्टे के साथ 3 राउंड गोली और 4 कुछ चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। गौनाहा के धर्मपुर गांव में आग लगने से घर जलकर राख हो गया है। बाद में ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मंझौलिया में किसानों ने मानसून की अच्छी बारिश में धान की बुआई शुरू की है। बारिश से किसानों में खुशी की लहर। नवलपुर थाना अंतर्गत ढाडवा में विवाहित महिला की हत्या कर दी गई। परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। होली मिशन स्कूल में RBS के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 डॉक्टरों के साथ 1 ANM भी उपस्थित रहे।
नरवार रेफरल अस्पताल में नियमों के बदलाव के चलते 2 महीने से एंटी रेबीज का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओ निवेदिता कुमारी ने पीडीएस की स्थिति समेत कई मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। बड़हरिया गोपालगंज मुख्य मार्ग पर बड़हरिया के पुरानी बाजार रोड पर हल्की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालपार गांव के दरौली में 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों रोड जाम कर दिया। तरवारा थाना क्षेत्र के सलाहपुर गांव में बड़ी नहर का बांध टूट जाने से गांव में पानी घुस गया, जिस कारण रोपाई खेत किए खेत डूब गए। दरौंदा प्रखंड में नीलगायों ने फसल को बर्बाद कर दिया। पीड़ित ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की। बगहा एक प्रखंड के चौतरवा पतिलार में मॉडल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है। जल्द ही लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। बगहा एक प्रखंड के बुधवारी टोला में मारवाड़ी धर्मशाला रोड पर गंदगी का अंबार लगने से आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, इससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बगहा 2 प्रखंड के मंगलपुर मलकौली में गंडक नदी तट पर हल्के कटाव और दबाव के बाद जल संसाधन विभाग राहत बचाव कार्य में जुट गया है। बगहा 2 प्रखंड के मदनपुर पनिहवा मोड़ पर NH 727 पर जल जमाव के कारण यातायात बाधित हो गया। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकिनगर में इंडो नेपाल सीमा पर दोनों राष्ट्रों के अधिकारियों और एनजीओ कर्मियों ने साझा बैठक कर बाढ़ से पहले सूचना और तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की। बगहा के रामनगर प्रखंड के सपही बरकहनी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बाघ के भटकने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बगहा के रामनगर प्रखंड के गंडक कॉलोनी के अंचल और प्रखंड कार्यालय में बारिश होने से जलजमाव है, लोग परेशान। मधुबनी के रहिका में तेज रफ्तार ऑटो की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। रहिका के विद्यापति चौक पर युवक की मौत से आक्रोशित होकर लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर आगजनी। बासुपट्टी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की। जयनगर में मोटर चालक संघ ने बैठक कर कई निर्णय लिए। संभुआर गांव के मधुबनी मेडिकल कॉलेज में बच्चे की मौत के मामले में दोनों पक्षों ने केस दर्ज किया। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार बेकाबू होकर पुल से टकरा गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय के मोहनपुर मध्य विद्यालय में जयकला देवनंदन फाउंडेशन ने वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। बेगूसराय बिहार के अमिताभ भूषण ने विधानसभा क्षेत्र के जिनोदपुर खमहार गांव का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। देगरा प्रखंड के सेंट जोसेफ एकेडमी रघुनंदनपुर में एनएसटी की वनमंडल स्तरीय 2019 की परीक्षा विद्यालय प्रबंधन की देखरेख में संपन्न हो। सराय रंजन प्रखंड के धर्मपुर में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में किसानों की खेती के कई टिप्स दिए। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के पास मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी हो गई। मामला दर्ज कर छानबीन में पुलिस जुटी। सराय रंजन थाना परिसर में सीओ विजय कुमार तिवारी, मुफस्सिल इंस्पेक्टर कृष्णा प्रसाद और थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी की उपस्थिति में जमीन संबंधित कई मामलों को निपटाया गया। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुफस्सिल थाने के जितवारपुर रेलवे गुमटी के पास पंचायत कर लौट रहे माले नेता और उसके समर्थकों पर दबंगों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। जीगा प्रखंड के सोनार गांव में डीलर की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। लाभुकों का कहना है कि राशन समय से नहीं दिया जा रहा। सोनवर्षा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय छोटी सिंहवाहिनी के बच्चों ने विशेष नामांकन अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। सुप्पी प्रखंड के विस्थापित रामपुर कंठ गांव के दर्जनों परिवार सरकारी योजना से वंचित हैं। लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि ने सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। सुरसंड प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का हाल बुरा है। कर्मियों की मनमानी से परेशान हैं। फारबिसगंज के खिवोहा में गर्मी छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे पर कोई भी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा, जिससे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। फारबिसगंज के भरगामा में पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्तौल और 5 कारतूस के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। फारबिसगंज के रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। फारबिसगंज सदर में जीविका दीदियों ने विधायक मंचन खिचड़ी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। फारबिसगंज में जीविका दीदियों का 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया गया।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जलालपुर उच्च विद्यालय परिसर में सांसद कोष से 103 दिव्यांगों को बैटरी रिक्शे का वितरण किया। मकेर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर जनता बाजार में अचानक से आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। जलालपुर के पंचायत सचिव को 4 दिनों से लापता होने के विरोध में परिजनों ने जलालपुर थाने का घेराव किया। जलालपुर के एसडीएस कॉलेज में अवैध वसूली से परेशान छात्रों ने नेशनल हाईवे 101 पर घंटों जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने छात्रों को समझाकर मामला शांत कराया। मसरख थाना परिसर में जमीन संबंधित विवाद पर थाना अध्यक्ष और सीओ ने ऑन द स्पॉट फैसला किया। मांझी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुणे हादसे में मृत मजदूर लक्ष्मी सैनी की पत्नी सीओ राम भजन राम ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 2,00,000 रुपए और बीडीओ रजत कुमार सिंह ने पीड़ित परिजनों को पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया। सारण जिला जनऔषधि केंद्र संघ ने जनऔषधि विक्रेता संघ ने दवा दुकानों में फार्मासिस्ट को अनिवार्य करने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर सभी दुकानों को अनिश्चितकालीन बंद रखने का निर्णय लिया। हिसुआपुर के संस्कार दीप स्कूल परिसर में इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सफल 300 छात्रों को नंबर के आधार पर लैपटॉप मोबाइल साइकिल और पठन पाठन के सामान देकर पुरस्कृत किया गया। रसूलपुर पुलिस ने इटहरी गांव में ट्रक से साबुन के आड़ में लाखों की विदेशी शराब जब्त की है। बिहार सरकार के फार्मासिस्ट पर लाए गए नए कानून के खिलाफ दवा दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पहले हॉट एंड कोल्ड स्मार्ट वाटर पार्क का निर्माण बिहार शरीफ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर उपरौरा गांव के पास किया जा रहा है। बिहार थाना में तैनात हवलदार द्रौपदी देवी थाना परिसर में समारोह आयोजित कर पदाधिकारियों को विदाई देने पहुंचे। दीपनगर थाना इलाके के सकरौल गांव में बदमाशों ने महिला मुखिया की पिटाई करते हुए लूटपाट की। पीड़ित ने मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। नगर थाना अंतर्गत धनेश्वर घाट मोहल्ले से बदमाशों ने कोचिंग जा रहे युवक को अगवा कर उसकी बेरहमी से पिटाई की। 4 बदमाशों को आरोपित कर घटना की एफआईआर दर्ज कराई। बेटा में अपराधियों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के मेहुस थाना क्षेत्र के सरमैदान गांव के मोड़ के पास बदमाशों ने मारपीट कर मिस्त्री से 50,000 की रकम लूट ली। गंभीर अवस्था में मिस्त्री को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा में ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड के जिला अध्यक्ष रणबीर हैदर को बनाया गया। शेखपुरा में दवा व्यवसायी संघ ने अपनी मांगों को समर्थन में समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। शेखपुरा जिले के बरबीघा में गाड़ियों के ओवरलोडेड होने के कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पटना में आयोजित 31वां ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शेखपुरा के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक जीता। रानी तालाब अंतर्गत थाना अंतर्गत सैदाबाद बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग से दुकान का सारा सामान जलकर राख। नेशनल हाईवे 139 दरियापुर चैनपुरा के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे में मृतक का पति बुरी तरह से घायल हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम में महिला चिकित्सक और विशेषज्ञ के अभाव में आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रम अनुमंडल के दुल्हिन बाजार प्रखंड क्षेत्र के अनखान गांव में सड़क पर जल जमाव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सड़क का टेंडर होने के बाद भी निर्माण नहीं कराया है। नौबतपुर नगर के अमरपुरा हाई स्कूल परिसर में अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन का एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा ने अलग अलग अपने मत से बनाई गई पीसीसी सड़कों का उद्घाटन किया। धनबाद नवनिर्मित उपायुक्त अमित कुमार ने 47वें उपायुक्त के तौर पर पदभार ग्रहण किया। झरिया के रामचंद्र दल परिसर में झरिया बीजेपी ने मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव संजय वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। सिंदरी पीडीआईएल सिंदरी के बंद होने से बेरोजगार हो चुके मजदूरों ने सिंदरी प्रोजेक्ट में रोजगार दिलाने की मांग को लेकर एलजेपी और भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ सिंदरी का प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने मुलाकात की। धनबाद जिले के कतरास में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री निधि कोष से दिव्यांग ताइक्वांडो खिलाड़ी को 50,000 की अनुदान राशि का चेक सौंपा। धनबाद के सरायढीला में एक दुकान से स्नेक कैचर बापीदा की टीम ने 2 जहरीले सांप को पकड़ा है। स्नेक कैचर ने इस दौरान सांप के 8 अंडे भी जब्त किए।
नगर पार्षद संजय कुमार ने विश्रामपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 18 में पीसीसी पथ का शिलान्यास कर शिलापट्ट का अनावरण किया। लेस्लीगंज में बीजेपी नेता अमित प्रकाश ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। हुसैनाबाद में आचार्य सिद्धेश्वर फाउंडेशन ने क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया। मेदिनीनगर परिषद भवन में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 20,000 नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ने का निर्णय लिया गया। पूर्व सैनिक ब्रजेश शुक्ला और समाजसेवी धीरज मिश्रा ने मेदिनीनगर में नए एसपी अजय लिंडा का स्वागत किया। एमपी अजय लिंडा के निर्देश पर डीएसपी सुरजीत कुमार ने डाल्टनगंज में सभी बैंकों का निरीक्षण किया। मेदिनीनगर के शनि मंदिर में पास समृद्ध मिशन की संचालिका शीला श्रीवास्तव ने महिला टीम के साथ गरीबों के बीच रोटी का वितरण किया। चैनपुर के दुबा गांव में वज्रपात होने से मवेशियों की मौत हो गई। बाद में विधायक आलोक चौरसिया ने घटनास्थल का जायजा लिया और मुआवजा दिलाने की बात की। डाल्टनगंज के बीजेपी नेता डॉक्टर अमित प्रकाश ने चाईबासा के नए एसपी के तौर पर पदभार संभाला। एसपी इंद्रजीत मेहता ने दी विदाई। सदर अस्पताल खगड़िया के एसएनसीयू के डॉक्टर नरेंद्र कुमार पर सरकारी अस्पताल से अपने निजी क्लिनिक पर मरीज को भेजने के आरोप में खगड़िया सिविल सर्जन ने जांच टीम गठित की। वहीं मामले में सदर विधायक पूनम यादव और एसडीओ धर्मेंद्र कुमार भी एसएनसीयू पहुंचकर दोषी डॉक्टर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे। पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा ढाला के पास ट्रक की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने नेशनल हाईवे 31 को जाम कर अधिकारियों से मुआवजे की मांग की। महेश खुट थाना प्रभारी किरण कुमारी थाना परिसर में वृक्षारोपण करने पहुंची और लोगों से कम 5 पेड़ लगाने की अपील की। खगड़िया के उमेश नगर रेलवे हाल्ट पर हथियारबंद बदमाशों ने स्टेशन मास्टर के रूप में घुसकर लूटपाट की। घटना की सूचना खगड़िया जीआरपी को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पसराहा थाना में 8,000 लीटर शराब नष्ट कर दी गई है। ठाकुर सदर प्रखंड के राजहाई स्कूल के पीछे मैदान में रथ यात्रा के अवसर पर अंपायर सर्कस का आयोजन किया जा रहा है। 3 जुलाई को होगा उद्घाटन। ठाकुर सदर प्रखंड परिसर को भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित 10 दिवसीय पीएमईजीपी प्रशिक्षण का समापन किया गया। ठाकुर सदर प्रखंड के मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के बहिरग्राम गांव के पास ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के फुलझिझिरी गांव में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की है। मौके पर एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड मुख्यालय में सभागार भवन में स्वच्छ भारत मिशन की सौजन्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान का समापन हुआ। मेडिकल जांच नमो सेना इंडिया लोहरदगा इकाई में आयोजित मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क जांच और दवा का वितरण किया गया। कुडू थाना क्षेत्र के बारीडीह निवासी अब्दुल रज्जाक अंसारी की आकस्मिक मौत की सूचना पर गुमला के पूर्व विधायक भूषण तिर्की जेएमएम नेता के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से घटी है। जेएमएम पार्टी सरकार से पीड़ित परिवार सदस्य को 1 सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए मुआवजा और लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के निलंबन की मांग कर रहा है। जंगल से भटककर किस्कू के दुरहुल गांव पहुंचे हिरण को कुत्तों ने घायल कर दिया। ग्रामीणों ने घायल हिरण को किस्कू थाना पुलिस को सौंप दिया। हिरण की इलाज के दौरान मौत। कुडू थाना क्षेत्र के चेटर गांव में घर के सदस्यों को बंधक बनाकर अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीसी आकांक्षा रंजन ने लोहरदगा जिले में कुष्ठ और टीबी रोग की पहचान के लिए जागरूकता पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया। मंडरा थाना प्रभारी संत कुमार राय ने छापेमारी कर हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1 देसी पिस्तौल 1 देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल जब्त। बीएस कॉलेज में हुल दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें हुल दिवस की वीर गाथाओं की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। रांची ट्रेन में 28 जून की रात रेलवे पुलिस को बच्चा बरामद हुआ है जिसके लोहरदगा चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। बच्चे के परिवार वाले अब तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं। लोहरदगा सदर अस्पताल में घायल शख्स की ड्रेसिंग मोबाइल की रोशनी में की गई। वहीं अधिकांश लोग अधिकारी जो हैं वो पूरे मामले में खामोश रहे। जेएमएम लोहरदगा जिले अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक अंसारी की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतबहिनी इमर झरना तीर्थ के प्रांगण में सोशल संस्था इनोवेशन ग्रुप के लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से आरकेवीएस बीएड कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिले में धूमधाम से आयोजन कराने पर कार्यकर्ता समारोह का आयोजन किया गया। मैडवनिया पंचायत भवन के प्रांगण में गढ़वा जिला किसान संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। कांडी थाना क्षेत्र के सननी गांव में दबंगों ने एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा जमा लिया। पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। दबंगों ने विरोध करने पर जमीन मालिक को पीट पीट कर घायल कर दिया।
गढ़वा जिले के नगर उटारी में जनशक्ति विचार मंच की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनशक्ति विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने लोगों की हर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। कांडी थाना क्षेत्र के खरौंधा गांव में गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा 18,000 नकद और 70,000 रुपए का सामान जलकर राख। कांडी प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के मचगांवा में वज्रपात होने से शख्स घायल हो गया, बाद में शख्स को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर में एक्सपायरी दवाइयों का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद अस्पताल कर्मियों ने दवाइयों को ठिकाने लगा दिया। थाना अंतर्गत करीवाड़ी पंचायत के खड़िया टोला निवासी परमेश्वर राम की 17 साल की बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, पर अक्सर बीमारी रहने के कारण परिवार में तनाव। रमना प्रखंड मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में जून महीने में अच्छी बारिश होने के कारण खेतों में जुताई का काम शुरू नहीं हो सका है। देवघर के स्टेशन रोड के शिवम इंटरनेशनल सभागार में 5 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन हुआ। मुख्य अतिथि सुरेश शाह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। देवघर के कांवड़िया पथ में इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए हर पेड़ के नीचे कुर्सियां लगाई जा रही हैं। देवघर के सूचना सभागार में राहुल कुमार उपायुक्त और नगर आयुक्त निगम की बैठक संयुक्त तौर पर हुई, जिसमें श्रावणी मेले को लेकर चर्चा की गई। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के बलिया चौकी में विधायक नारायण दास ने ग्राम चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट समाधान किया। विधायक अनंत कुमार ओझा ने उधवा प्रखंड के फुटकीपुर से नोराई तक बन रही सड़क का शिलान्यास किया। साहिबगंज जिले के 33वें उपायुक्त के रूप में 2010 के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन ने पदभार ग्रहण किया। राधानगर थाना क्षेत्र के आतापुर गांव में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत होने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को इलाज के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूल दिवस के मौके पर साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में जिला प्रशासन की ओर से विकास मेले का आयोजन किया गया। पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने मेले में शिरकत की। पंचकटिया में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुल दिवस के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। मंडरो प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमडा में दो शिक्षक होने से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।